माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिवाली के महाचमत्कारी उपाय। दिवाली वाले दिन बहुत सारी शक्तियाँ हमारे ब्रह्मांड में होती हैं। अगर उस दिन हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारी लाइफ की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि हम बहुत परेशानियों में घिरे होते हैं लोग, और काफ़ी कुछ करते हैं पर उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। लेकिन दिवाली वाला दिन एक ऐसा दिन होता है कि उस दिन एक तो अमावस्या होती है, और उसके अलावा उस दिन बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारी एनर्जीज हमारे आसपास होती हैं। अब अगर आप चाहो उस दिन आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को, अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर कर सकते हो और पॉजिटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो, तो आपने ऐसा करना क्या है जिससे कि नेगेटिव एनर्जीज़ दूर हो जाएं, पॉजिटिव एनर्जीज़ अट्रैक्ट हो आपकी तरफ। नेगेटिव एनर्जीज़ क्या है, हमारे काम बनने नहीं देती। बहुत सारा, एक तो हमारी थॉट्स इतनी नेगेटिव हो जाती हैं कि वो पहाड़ बन जाता है, नेगेटिव एनर्जीज़ का हमारे आसपास पहाड़ बन जाता है, जिससे कि कोई भी काम नहीं बनता। तो दिवाली वाले दिन अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप देखोगे कितनी स्मूथली, कितनी इजीली काम बन रहे हैं। कई सारी परेशानियां तो ऐसे ही सॉल्व हो गई कि पता भी नहीं चलेगा आपको कि कैसे सॉल्व हो जाएंगी प्रॉब्लम्स। सबसे पहले आपने क्या करना है कि दिवाली वाले दिन लक्ष्मी पूजन के बाद सभी घर के सभी कमरों में शंख या फिर घंटी बजानी है। इससे क्या होगा, घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अगर कपूर वगैरह जलाओगे, कपूर और लौंग जलाओगे तो बहुत अच्छा होगा, घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, ठीक है। दिवाली वाले दिन आपने क्या करना है, दिवाली हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट के वापस अयोध्या आए थे, तो इस खुशी में हम दिवाली मनाते हैं। तो जब भगवान श्री राम की बात हो रही है तो हम हनुमान जी को कैसे भूल सकते हैं। तो दिवाली वाले दिन आपने क्या करना है, आपने दिया जलाना है, तेल वाला दिया जलाना है, उसमें लौंग डाल के हनुमान जी की आरती करनी है। उससे क्या होगा, सारे बिगड़े काम बनने लग जाएंगे। आप देखोगे कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी अचानक से कोई परेशानी आ जाती है तो वो सारी परेशानियाँ आनी भी बंद हो जाएंगी। दिवाली वाले दिन तो ये करना ही है, उसके बाद भी अगर आप ये हर सैटरडे करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बिगड़े काम बनने लग जाएंगे और अचानक से जो मुसीबत आ जाती है वो आनी बंद हो जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है, दिवाली वाले दिन शिवलिंग पे अक्षत ज़रूर चढ़ाएं। इससे क्या होगा, घर में सुख शांति आएगी। तो अक्षत ज़रूर चढ़ा के आने हैं शिवलिंग पे, और ध्यान रहे कि कोई भी चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है। महालक्ष्मी पूजन में पीली कौड़ियाँ ज़रूर रखनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपके पैसे से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए दिवाली वाले दिन आप लक्ष्मी पूजन करोगे तो पीली कौड़ियाँ ज़रूर रखें। लक्ष्मी पूजन में हल्दी की गांठ भी ज़रूर रखनी चाहिए, और अगले दिन उस हल्दी की गांठ को आप अपनी तिजोरी में या लॉकर में रख दो, तो आप देखोगे कि पैसे से रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आपका लॉकर, आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं है, हमेशा उसमें पैसे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। नई झाड़ू ज़रूर खरीदनी है दिवाली वाले दिन, और उसी से पूरे घर की सफाई करनी है, ये बहुत अच्छा माना जाता है, सारी नेगेटिविटी दूर होती है। दिवाली वाले दिन मंदिर में झाड़ू का दान करना भी बहुत उत्तम माना गया है, तो इससे क्या होगा, घर की सारी परेशानियां दूर होती हैं, सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो दिवाली वाले दिन नई झाड़ू ज़रूर आप मंदिर में दान करें, ठीक है। लक्ष्मी मंदिर में आपने क्या करना है, गुलाब की खुशबू वाली अगरबत्ती चढ़ा के आनी है दिवाली वाले दिन। ये बहुत अच्छा होता है, लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती हैं इससे, और आपकी सारी प्रॉब्लम पैसे से रिलेटेड सॉल्व हो जाएगी। जो भी आप विश है आपकी, कोई भी विश है वो ज़रूर पूरी होगी, तो इसलिए गुलाब की खुशबू वाली अगरबत्ती ज़रूर चढ़ा के आएँ लक्ष्मी मंदिर में। उसके अलावा आपने क्या करना है, दिवाली के दिन क्योंकि अमावस्या होती है तो पीपल के पेड़ की पूजा बिल्कुल भी नहीं भूलनी। पीपल के पेड़ की पूजा ज़रूर करनी है, सुबह जल चढ़ा के आना है, शाम को दिया जला के आना है, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। वैसे भी ये मैं आपको हर बार बताती हूँ कि पीपल के पेड़ की पूजा रेगुलर करते रहें, इससे क्या होगा, करियर वाइज जो प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में वो नहीं आती हैं, सॉल्व हो जाती हैं। हेल्थ वाइज अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी सॉल्व हो जाती हैं। अगर आप दिवाली वाले दिन स्थिर लग्न में पूजा करोगे तो वो सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। अब स्थिर लग्न किस टाइम होता है वो आप पंचांग में देख सकते हो कि दिवाली वाले दिन स्थिर लग्न किस टाइम है। तो स्थिर लग्न में अगर घर में पूजा की जाती है तो माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से उस घर में वास हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। उसके अलावा आपने क्या करना है, दिवाली वाले दिन पूजा में स्फटिक का श्रीयंत्र ज़रूर रखें, उसकी भी पूजा करें, इससे माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और धन की कभी भी कमी नहीं रहती।
इसके अलावा आपने क्या करना है, दिवाली वाले दिन आपने एक पूजा वाला नारियल लेना है, उस पर थोड़े से अक्षत, कुमकुम और फूल रख के उसको भी आपने पूजा वाले स्थान में रखें और उसकी भी पूजा करें, नारियल की भी पूजा करें, बहुत अच्छा माना जाएगा, माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होंगी, कभी भी लाइफ में पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, और भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, नेगेटिविटी आती है या जो भी चीज़ें हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें ज़रूर करें दिवाली वाले दिन, आप देखोगे कि कितने चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, कैसे काम बनते जा रहे हैं, बिगड़े काम बन रहे हैं, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर करें, क्योंकि इतनी सारी जो नेगेटिविटी होती है ना हमारे आसपास, इन चीज़ों को करने से वो दूर हो जाती है, और एक दिन करने से या दो दिन करने से ही फिर रेगुलर करते रहो आप इनको, है ना, दिवाली वाले दिन तो करना ही है, उसके बाद भी इनको रेगुलर करते रहोगे तो देखोगे प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि आने के बाद हम कुछ करेंगे उसको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, तो वैसे ही रेगुलर करते रहेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। मेरी बेस्ट विशेज़ है, बाय बाय।